पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता और सीएम ममता बनर्जी के पूर्व सहयोगी मुकुल रॉय के टीएमसी में वापसी के साथ ही खेल शुरू हो गया। मुकुल रॉय ने बीजेपी के उन नेताओं के साथ संपर्क साधना शुरू कर दिया जो उनके साथ टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए थे। इसके साथ ही वे नेताओं को साधने का प्रयास किए जा रहे हैं जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता और नेता हैं। सूचना के अनुसार ऐसी लगभग 25 नेताओं की प्राथमिक सूची बनाई गई है। सूत्रों ने बताया है कि 100 से अधिक ऐसे नेता हैं जो जमीनी तौर पर काफ़ी मजबूत थे और मुकुल के भरोसे टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामे थे। उनमें से अधिकतर को पिछले कुछ घंटों के अंदर फ़ोन कर संपर्क साध लिया है और वापस टीएमसी में लौटने की नसीहत दे दी है। सूत्रों के अनुसार जिन नेताओं के मुकुल रॉय को फ़ोन किया गया है उसमें सब्यसाची दत्ता, राजीव बनर्जी, प्रभारी घोषाल जैसे विधानसभा चुनावों में से बीजेपी के लिए ज़मीनी तौर पर काम करने वाले नेता शामिल रहे हैं। उनकी शीघ्र ही टीएमसी में वापसी हो सकती है। इसी बीच दल बदलों की वापसी पर टीएमसी में काफ़ी आपत्ति है। बता दें कि टीएमसी में वापस लौटने के बाद मुकुल रॉय ने अभिषेक बनर्जी के साथ निजी मुलाकात की थी। इन दोनों के बीच नेताओं की वापसी को लेकर चर्चा हुई। चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर जाने वालों के साथ साथ ऐसे नेताओं से संपर्क में साधा जा रहा है जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। इसमें मनोज टिग्गा जैसे बीजेपी के पुराने नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने ट्वीट किया, मुकुल रॉय ट्रोजन का घोड़ा था। उन्होंने बीजेपी के केंद्र और राज्य के नेताओं से बातचीत के बाद अंदर जाकर सब कुछ पता किया और ममता को खबर दी थी। उन्होंने लिखा, हम में से बहुत से लोग ट्रोजन हॉर्स की कहानी जानते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक लकड़ी का घोड़ा था जिसका इस्तेमाल यूनियनों द्वारा ट्रोजन योद्धा के दौरान ट्रॉय की दीवार वाले शहर में प्रवेश करने और युद्ध जीतने के लिए किया गया था। 10 साल की एक बेकार घेराबंदी के बाद ओडिसियास ने कहने पर यूनियनों ने एक उपकरण के रूप में लकड़ी के घोड़े का उपयोग करके ट्रॉय पर विजय प्राप्त की।